हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं बिना झंझट बिना भिगोए चावल के आटे का डोसा। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसके साथ खाने के लिए मैं बहुत ही टेस्टी चटनी की रेसिपी आपको बताऊंगी। तो चलिए बिना देर किए हुए इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और इसमें हम एक कटोरी हम चावल का आटा डाल देंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप चावल को भिगा करके और पीस करके भी आप बना सकते हैं। और इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है एक मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट लिया है। प्याज को जो है आप बारीक काट करके ही इसमें डालिएगा। और अब हम इसमें हम थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया डाल देंगे और इसमें हम मिर्ची डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है दो लाल मिर्ची को ऐसे पतले पतले टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहे तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। और इसमें हम आधी चम्मच जो है अजवाइन क्रश करके डाल देंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और अब हम इसमें हम स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें हम एक कटोरी पानी डाल देंगे। तो मैंने जिस कटोरी से जो है चावल का आटा लिया था उसी कटोरी से मैंने इसमें एक कटोरी पानी लिया है और इसको हम मिला लेंगे। और अब हम इसमें हम थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे और इसको हम मिला लेंगे। तो पानी जो है हम थोड़ा थोड़ा करके ही डालेंगे ज़रूरत के हिसाब से। और अब हम इसमें हम थोड़ा सा पानी हम और डाल देंगे। तो टोटल जो है मैंने इसमें दो कटोरी पानी डाला है। इसका हमें जो है एकदम पतला घोल बना करके तैयार करना है और इसमें हम आधी कटोरी पानी हम और डाल देंगे, मिला लेंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसे हमें कितना पतला रखना है। इसे हमें जो है इतना पतला रखना है। मैंने इसमें जो है टोटल 2.5 कप पानी डाला है और इसको हम साइड में रखेंगे। तो चलिए हम चटनी तैयार कर लेते हैं। तो गैस पर हम एक पैन रखेंगे गर्म होने के लिए और इसमें हम 3 चम्मच हम मूँगफली डाल देंगे। मैंने इसी चम्मच से जो है 3 चम्मच मूँगफली ली है। मूँगफली को हम धीमी आँच पर जो है भून लेंगे। मूँगफली जो है वो अच्छे से भून गई है। इसे भूनने में मुझे 3 से 4 मिनट का समय लगा है। इसको हम प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसी पैन में जो है हम तिल को हम भून लेंगे। तो इसमें हम 3 चम्मच जो है तिल डाल देंगे। तो मैंने जो है 3 चम्मच मूंगफली ली थी तो 3 चम्मच इसमें हम तिल डाल देंगे। इसे हम लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 मिनट तक हम भून लेंगे। इसे भूनने में जो है ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये देखिए तिल जो है वो अच्छे से भून गई है। तो इसको भी हम प्लेट में हम निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लेंगे और इसमें हम तिल को डाल देंगे और जो हमने मूँगफली भून करके रखी थी इसको हम डाल देंगे। और अब हम इसमें हम 2 हरी मिर्ची डाल देंगे और इसमें हम 2 चम्मच जो है सूखा नारियल डाल देंगे छोटे टुकड़ों में काट के। अगर आपके पास ये सूखा नारियल नहीं है तो आप क्या करिए, आप इसमें 2 चम्मच जो है डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर भी आप डाल सकते हैं। और इसमें हम स्वाद के अनुसार जो है आधी छोटी चम्मच हम नमक डाल देंगे और इसमें हम 2 चम्मच जो है खट्टी दही डाल देंगे। आप चाहे तो दही की जगह इसमें आप एक नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और मैंने यहाँ पर जो है लहसुन नहीं डाला है। आप चाहें तो इसमें 2-3 कली लहसुन की आप डाल सकते हैं और इसको हम पीस लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है चटनी को पीस लिया। इसको हम थोड़ा सा हम चम्मच से हम मिला देंगे और इसमें हम थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे और इसे हम फिर से हम पीस लेंगे। यहाँ मैंने चटनी को जो है पीस लिया है। ये देखिए हमें जो है इसको इतना गाढ़ा रखना है। तो इस चटनी को पीसने में मुझे जो है ये लगभग 1 कप के करीब इसमें पानी लग गया है और 2-3 चम्मच पानी जो है वो बच गया है। तो चटनी को हम एक बाउल में हम निकाल लेंगे। चलिए अब हम चटनी में हम तड़का लगा लेते हैं। तो गैस पर जो है हम एक तड़का पैन हम रखेंगे और इसमें हम 2 चम्मच जो है तेल डाल देंगे और इसमें हम 1/4 चम्मच हम जीरा डाल देंगे और इसमें हम 1/4 चम्मच हम सरसों डाल देंगे और सरसों और जीरा को हम चटकने देंगे। अगर आपके पास कड़ी पत्ता है तो आप इसमें 4-5 जो है कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। इससे जो टेस्ट है वो और भी बढ़ जाता है। और इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च हम तोड़ करके डाल देंगे। इसको थोड़ा सा हम चला लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से लाल हो गई हैं। तो गैस को हम बंद कर देंगे और तड़के को हम चटनी में हम डाल देंगे और इसे हम मिला लेंगे। तो हमारी चटनी जो है बन करके तैयार है। तो इसको हम साइड में रखेंगे और चलिए हम डोसा बना लेते हैं। गैस पर हम तवा रखेंगे गर्म होने के लिए। इसमें हम थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे और तेल को हम अच्छे से हम फैला लेंगे। तवे को हम हाई फ्लेम पर जो है बढ़िया से हम गर्म कर लेंगे जब तक कि तवे में से हल्का हल्का धुआं ना निकलने लगे। तो ये देखिए तवा हमारा बढ़िया गर्म हो गया है, इसमें से हल्का हल्का धुआं निकलना शुरू हो गया। तो हम बैटर को लेंगे, इसको हम थोड़ा सा हम ऐसे मिला लेंगे क्योंकि आटा जो है वो तली में बैठ जाता है। तो बनाने से पहले आप इसको इस तरह से मिला लें। अब हम यहाँ पे जो है एक कलछली बैटर जो है इस तरह से हम तवे पे हम डाल देंगे, थोड़ा सा हम और डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे जो है 1.5 कलछली जो है बैटर डाला है और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर हम 3 से 4 मिनट तक हम पका लेंगे। तो ये देखिए 4 मिनट हो गए हैं, डोसा जो है ऊपर से ड्राई हो गया है और किनारों को ये छोड़ने लगा है। पकने के बाद ये किनारों को छोड़ने लगता है तो आपको पता चल जाएगा कि डोसा जो है वो नीचे से सिक गया है। तब हम इसके ऊपर थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे और इसको हम पलट देंगे और इसे हम दूसरी साइड भी जो है मीडियम फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट तक हम सेक लेंगे। तो ये देखिए ये दूसरी साइड से भी जो है अच्छे से सिक गया है। तो इसको हम पलट देंगे
और इसको हम फोल्ड कर लेंगे तो हमारा डोसा जो है बन करके तैयार है। इसको हम प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी डोसे को भी बना करके तैयार कर लेंगे। आपको जो है और भी पतला डोसा खाना है तो आप बैटर को जो है थोड़ा सा और पतला कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे जो है इसमें आधा ग्लास पानी जो है और डाल रही हूँ, इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है अब पतला डोसा आपको बना के दिखाऊंगी। तो अब हम गैस की फ्लेम को हम हाई कर देंगे और तवे पे जो है थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे। तो तवा जो है हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, तो इसके ऊपर जो है हम डेढ़ कलछड़ी जो है बैटर हम डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर जो है इसे हम 3 मिनट तक हम सेक लेंगे। जैसे हमने पहला डोसा जो है सेक करके तैयार किया है, सेम हमें वैसे इसको भी सेकना है। तो ये देखिए नीचे से ये सेक गया है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा हम तेल लगा देंगे और इसको हम पलट देंगे। अगर आपको जो है डोसा थोड़ा मोटा बनाना है तो आप बैटर को जो है थोड़ा सा आप गाढ़ा रख सकते हैं। ये देखिए डोसा जो है दूसरी साइड से भी अच्छे से सेक गया है, तो इसको हम प्लेट में हम निकाल लेंगे। ये बैटर में जो है 6 से 7 डोसा जो है बन करके तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इसको हम सर्व कर लेते हैं। तो जो हमने इस चटनी बनाई है ना, इस चटनी के साथ जो ये डोसा बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप इसे सुबह के नाश्ते में, लंच, डिनर में, जब भी आपका मन हो तो आप इसे बना करके खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप इस रेसिपी को जो है बना करके ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे मेरे आने वाले नेक्स्ट रेसिपीज़ की वीडियो सबसे पहले आपको मिलेंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।